viewer we in this video i will show you how to create an advertisement banner in microsoft for 2019 like this one so start create a new blank document then go to layout tape select size of the paper that is a5 then go to view tape zoom the page to 100% now go to design tape yes say page color of change blue color select करे. जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया फिर इसके बाद इन ज़्यादा टेपर आप चले जाएँ और यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल आप सेलेक्ट करें इसका साइज चेंज करें फ्रॉम हेयर सेलेक्ट करें हाइट टू इंच वर्थ वेल बी टू इंच और फिर इसके बाद इसको आप रोटेट कर सकते हैं शेफ आउटलाइन वेल बी नो आउटलाइन शेफ फिल वेल बी येलो कलर इसकी एक कापी मैं लेना चाहता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको आप ड्रैग करें और फिर इसके बाद इस पर शेडो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी शेडो आप अप्लाई करना चाहें फिर इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की टू सेलेक्ट मोर देन वन ऑब्जेक्ट और यहां से इसको ग्रुप करें अगेन बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसकी एक कापी आप ले लें और यहाँ पर ले आएँ फिर इसके बाद इसको आप रोटेट करें हारिजेंटली एंड वर्टिकली और यहां पर इसको आप प्रॉपरली एडजस्ट करें एंजॉर्ट टेप पर आप चले जाए यहां पर मैं टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूं टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड करें और टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं लोगो नेम एनी टेक्स इसका साइज आप चेंज करें फ़ॉन्ट आप चेंज करें फॉन्ट वेल एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट साइज वेल बी थर्टी सिक्स टेक्स्ट बॉक्स को आप रीसाइज कर सकते हैं फॉर्मेट टेप से शेप फिल वेल बी नो फिल शेप आउटलाइन वेल बी नो आउटलाइन टेक्स्ट कलर चेंज करें फ्रॉम द होम टेप दिस वेल बी वाइट कलर इसका कापी मैं लेना चाहता हूँ बा होल्डिंग कंट्रोल की एक कापी ले लें और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से ये कलर मैंने सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद फ्रॉम द फॉर्मेट टेप सेंड टू बैकवर्ड फिर इसके बाद इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं Now by using select object tool, इसके थ्रू में इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ और फिर इसके बाद फार्मेट टेप से इसको आप ग्रुप करें और इसको आप हारिजेंटली अलाइन करें ऑन द दे सन्ट्रफ देश एक और टेक्स्ट बॉक्स में एड करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं टेक्स एड करूँगा दिस वेल द ट्रेनिंग अकेडमी इसका फोन साइज फोन कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं फोन साइज मैंने ट्वेल्थ सेलेक्ट किया फ्रॉम फॉर्मेट का शेप शेप फिल फिल नो आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन कलर विल बी वाइट कलर री द टैक्स बॉक्स और इसको आप यहां पर ले आए अगेन इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ बाई यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल दोनों को सेलेक्ट करें और ग्रुप करें फ्रॉम द फॉर्मेटेप इसको आप रोटेट कर सकते हैं अब मैं एक शेप क्रिएट करना चाहता हूं और ये मैं कोरलड्रा में बनाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेप मैंने क्रिएट किया था एक न्यू शेप मैं क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि आप भी सीख लें ठीक है आ, इस रेक्टेंगल शेप को मैंने कलर दे दिया और इसका बॉर्डर मैंने रिमूव किया फिर इसके बाद यहाँ से मैं आ, ये टू लेना चाहता हूँ और बाय यूजिंग माउस लेप बटन की इस शेप को आप चेंज करें ये आप देख सकते हैं इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ ये चेंज हो रहा है ठीक है और फिर इसके बाद एरेजर में लेना चाहता हूँ और इसके थ्रू मैं इस शेप में मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ आप भी कर सकते हैं ठीक है तो ये शेप क्रिएट हो जाएगा जब ये क्रिएट हो जाएगा तो इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ पीएनजी फॉर्मेट में और इसको मैं एम एसवर डॉक्यूमेंट में इम्पोर्ट करूँगा डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ एज़ ए पीएनजी एक्सपोर्ट करें क्लिक ऑन ओके फिर इसके बाद वर्ड फाइल पर आप चले जाएं। यहाँ पर मैं उसी पिक्चर को इंपोर्ट करना चाहता हूँ एनजर्ट पिक्चर जो रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है इसको मैं इन्ज़र्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करें रेप टेक्स एंड फ्रंट ऑप टेक्स्ट तो इसको आप मूव कर सकते हैं अब इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं इसके ऊपर मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहता हूं। और इसमें मैं डेटा टाइप करूंगा। दिस वेल बी ऑफर, जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर शार्ट कोर्सेस जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहें वो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं इसको अलाइन करें हरी सेंटर फ़ॉन्ट चेंज करें फ़ॉन्ट साइज चेंज करें फ़ॉन्ट विल बी एरियल ब्लैक इस टेक्स बॉक्स को रीसाइज करें फ्रॉम द फॉर्मेट टेप शेप फिल बी नो शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन टेक्स कलर चेंज करें वाइट इसको आप सेलेक्ट करें गो टू होम टेप यहाँ से आप कलर चेंज करें तो व्यूवर आप देख सकते हैं रिज़ल्ट और इसके अलावा कुछ और सिंबल अगर आप इस बैनर में ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं मैंने ये सिंबल ले लिया इसका कलर आप चेंज करें इसके अलावा इसकी काबीज़ आप ले लें बाय होल्डिंग कंट्रोल की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी शेप आप क्रिएट कर कर सकते हैं आप क्रिएट करें और फ़ाइनल स्टेप जो इमेज मैंने इंपोर्ट किया था इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट करें और इसको आप ग्रुप करें अब इसको आप रोटेट कर सकते हैं तो इसको मैंने इस तरह रोटेट किया तो ये बैनर अब तैयार है तो व्यूअर आप भी इस तरह क्रिएट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो